हरे कृष्णा। तो पहले जय राधा माधव भजन गाएंगे और फिर क्लास शुरू करेंगे। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सो नीम कथाना में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ चल रहा है इस्कॉन। तो आप लोगों में से कितने
भक्त ऐसे हैं जो जयपुर आए हुए हैं इस्कॉन मंदिर में, 1, 2, 3, 4, 5 बस। जयपुर तो आना होता होगा आपका कभी ना कभी किसी काम से, जयपुर तो आते होंगे आप लोग कभी कभी। जो लोग नहीं आए हैं कभी आइए, वहाँ पर बहुत सुंदर भगवान का मंदिर है, श्री राधा मदन मोहन श्री श्री गिरिधारी दाव जी और श्री श्री गौर निताय के बहुत सुंदर दर्शन हैं। और वहाँ पर जो विंडोज़ हैं खिड़कियाँ, उसमें स्टेन ग्लास पेंटिंग है बहुत सुंदर झरोके, जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं की स्टेन ग्लास पेंटिंग्स हैं। जब सूर्य की रोशनी उसके माध्यम से आती है तो ऐसे लगता है कि भगवान जो है रत्न के बने हुए हैं, रत्न जड़ित हैं। बहुत सुंदर वहाँ पर मंदिर है। तो जो इस्कॉन है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISKCON। आई यानी इंटरनेशनल, एस यानी सोसाइटी, फिर के मतलब कृष्णा, और CON कॉन्शियसनेस का CON SICOU, तो पूरा जो वर्ड है उसका CON लिया, इस्कॉन। तो इसकी स्थापना किसने की थी? श्रील प्रभुपाद, श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। 1966 में इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई और तब से लगा के आज तक इस्कॉन संस्था पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है। मुख्य उद्देश्य है हर गांव-गांव गली-गली जाकर के कृष्ण का प्रचार करना, कृष्ण नाम का प्रचार करना। कई लोग इस प्रकार की धारणा रखते हैं कि ये तो अंग्रेजों की संस्था है, क्योंकि अंग्रेज लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं इसमें। हम वृंदावन जाते हैं तो अंग्रेजों का मंदिर, इस्कॉन मंदिर को लोग अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं। कुछ लोग तो ये तक भी कहते हैं कि इस्कॉन वाले जो है भारत से पैसा लेकर के अमेरिका भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं। तो ऐसे कई सारी धारणाएं बनी हुई हैं, तो धारणाओं का तो कुछ नहीं कर सकते, कोई भी किसी की भी धारणा बना सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो इस्कॉन बनाया, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार प्रसार हो। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। इस पृथ्वी पर जितने नगर और ग्राम हैं, हर नगर और ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा, ये भविष्यवाणी की थी। और श्रील प्रभुपाद जो कि चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था मोर सेनापति भक्त, मेरा जो सेनापति भक्त हैं ये आएगा और पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेगा। केवल यही नहीं, शास्त्रों में वर्णन आता है, मैं भूल रहा हूँ कौन सा पुराण है, भविष्य पुराण आई थिंक, वहाँ पर ये कहा गया है कि भगवान के एक सेनापति आएंगे। हाँ, आई रिमेम्बर, भगवान शिव से एक बार पार्वती जी ने पूछा था कि गंगा जी जो है इतनी पवित्र है, गंगा जी में लोग स्नान करके पवित्र होते हैं, तो गंगा जी को कौन पवित्र करता है? एक बार गंगा जी ने खुद ने पूछा था भगवान से कि कलयुग में, या कलयुग में तो महा से महापापी होंगे, सत्ययुग त्रेता द्वापर में तो फिर भी पाप कम थे, कलयुग में तो ऑलमोस्ट हर प्राणी पापी है, छोटा नहीं तो बड़ा, कुछ बड़ा नहीं तो छोटा, कोई ऐसा ना कोई ऐसा पाप तो करता ही है, तो ये लोग इतने पापी आएंगे मुझ में स्नान करेंगे, इतनी मलिनता छोड़ के जाएंगे, मेरा क्या होगा, मुझे कौन शुद्ध करेगा कलयुग में? सतयुग त्रेता द्वापर में पापी आते थे, स्नान करते थे, लेकिन संत साधु संत भी स्नान करके उसको पवित्र कर देते थे, क्योंकि संत जो हैं वो गंगा को पवित्र करते हैं, गंगा पापियों को पवित्र करती है, और गंगा में जो पाप छोड़ के जाते हैं उनको संत लोग पवित्र कर देते हैं, ये संतों की महिमा है। तो एक बार पूछा गया था तो भगवान ने उत्तर दिया गंगा जी को, कहा कि कलयुग में मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो
देश देश जाकर के प्रचार करेगा और उसके प्रचार से बहुत सारे शुद्ध भक्त बनेंगे और वो शुद्ध भक्त बाहर से आएंगे और तुम्हारे में स्नान करेंगे और तुम्हें पवित्र करेंगे। ऐसा आज हो रहा है कि नहीं हो रहा? श्रील प्रभुपाद गए, देश देश गए और कई सारे लोगों को भक्त बनाया, शुद्ध भक्त के स्तर तक लेके आए। वो लोग आज भी आते हैं, विदेशों से आते हैं और भगवान के यहाँ भारत में जो है पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था बनाई है, इसका मुख्य उद्देश्य है भक्त बनाना, भक्ति का प्रचार करना। तो प्रचार करने की आवश्यकता कब पड़ती है? प्रचार करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब लोग भक्त नहीं होते। ऑलरेडी भक्त है तो भक्त को क्या प्रचार करोगे? अब वृंदावन में जाकर किसी ब्रजवासी को बोलो कि भगवान का नाम लो, उसको क्या सिखाओगे? वो तो वैसे ही जो है भगवान का भक्त है। हैं? कोई टीचर को ABCD सिखाने बैठे, कोई बुद्धिमानी वाली बात है? कोई अनपढ़ गंवार है उसी को तो पढ़ा सकते हो? जो पढ़े लिखे को ABCD क्या पढ़ाओगे? तो उसी प्रकार से जो भक्त नहीं है उसी को तो भक्त बनाएंगे, जो भक्त है उसको क्या भक्त बनाएंगे? तो वास्तव में कलयुग की ये दशा है, कोई भक्त नहीं है। अगर कोई कोई भक्त है भी वो केवल भक्त बनने का ढोंग है। वो सोचता होगा कि मैं भक्त हूँ, धार्मिक हूँ, पुण्यवान हूँ, पवित्र हूँ, लेकिन उसको सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं है। अभी भारतवर्ष में हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्त हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक हैं लेकिन भक्त नहीं हैं। रोज़ सुबह उठते हैं, चिड़ियाओं को दाना डालते हैं, पीपल में पानी चढ़ाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, मंदिर में भी आते हैं, ढोक भी लगाते हैं, सब कार्य करते हैं, लेकिन सिद्धांत प्रिंसिपल्स उनकी कोई जानकारी नहीं है। रेस्कॉन का मुख्य कार्य क्या है? जो भक्ति है, भक्ति का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको सबके हृदय में इनकल्केट करना, समाहित करना, यही उद्देश्य है। तो इस्कॉन का जो मुख्य आधार है नॉलेज का, ज्ञान का, वो है श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। भगवद गीता में भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, भागवत में जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को जन जन तक पहुंचाना। क्योंकि लोग, इस संसार के लोग पूर्ण रूप से अज्ञान में भरे हुए हैं, गहनतम अज्ञान, तमोगुण में भरे हुए हैं। और अज्ञान क्या है? कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे मैथुन क्रिया करें, कैसे अपनी रक्षा का इंतजाम करें, बिल्कुल पशु तुल्य। महाभारत कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनमस्या सामान्यम एतत पशु भी नराणाम। यानी खाना, सोना, संतान उत्पत्ति करना और अपनी रक्षा का इंतजाम करना, ये पशुओं में और मनुष्यों में कॉमन है। हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है। हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हम भी जो है संतान उत्पत्ति करते हैं, पशु भी संतान उत्पत्ति करता है। हम भी अपनी रक्षा का इंतजाम करते हैं, घर बनाते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं, ट्रिंग ट्रिंग हु इज देयर, अंदर से आवाज़ आती है, हैं? और या फिर कुत्ता, बिहेवियर ऑफ डॉग, सिक्योरिटी सिस्टम हम लगाते हैं। तो जानवर का भी सिक्योरिटी सिस्टम होता है, कुत्ते हैं उनके जबड़े होते हैं, उनके नाखून होते हैं, उनसे अपनी रक्षा करते हैं, अपना घर बनाते हैं, एरिया बांटते हैं अपना, चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है, सब अपना रक्षा का इंतजाम करते हैं, सब का रक्षा का इंतजाम है। तो ये जो चार चीज़ें हैं ये मनुष्य में और पशुओं में कॉमन है। क्या क्या? खाना, सोना, मैथुन करना और अपनी रक्षा करना। तो फिर अंतर क्या है पशु में और मनुष्य में? अंतर क्या है? कोई कह सकता है कि मनुष्य तो जो है हम तो अच्छे से पका करके डाइनिंग टेबल लगा के छुरी कांटे से खाते हैं, पशु जो है वो तो कुछ भी दे दो कुछ भी खा लेता है। तो अगर आप अच्छे से टेबल पे बैठ के खाते हो और पशु रोड पे खाता है, लेकिन जो भूख मिटने की तृप्ति है वो तो बराबर है ना। अब आप रसगुल्ला चाहे दोने में खाओ, चाहे चांदी कटोरी में खाओ, स्वाद तो बराबर आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि चांदी कटोरी वाले को कोई डबल स्वाद आएगा रसगुल्ले का, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जो चारों चीज़ें हैं पशु मनुष्य में कॉमन है, भले ही आप स्टैंडर्ड थोड़ा हाई कर लो, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो बराबर है।
तो अगर जो मनुष्य महाभारत आगे कहता है, जो मनुष्य धर्म की पालना नहीं करता वो मनुष्य पशु के समान है। धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्म एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है, और जिस व्यक्ति के हृदय में उसकी एक्टिविटीज में धर्म नहीं है तो वो पशु के समान है। और धर्म क्या है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये धर्म है? धर्म क्या होता है? अभी तो यही धर्म है ना, धर्म के नाम पे झगड़ रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा को लेकर झगड़ रहा है तो कोई लाउड स्पीकर को लेकर झगड़ रहा है, तो ये झगड़ा किस बात का हो रहा है? धर्म का ही तो हो रहा है। लेकिन धर्म है क्या? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कठोर शब्दों में, हम तो नहीं कह सकते लेकिन संतों की वाणी को रिपीट कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो धर्म जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमने बना रखा है, ये कुत्ते बिल्लियों का धर्म है, लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ता सोचता है कि मैं कुत्ता हूं, बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूं, जैसे ही देखते हैं खाऊं फाड़ू चालू, क्योंकि वो कुत्ता सोच रहा है मैं कुत्ता हूं, बिल्ली सोच रही है मैं बिल्ली हूं। ऐसे ही जो है, मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया है साहब मैं हिंदू हूं, मैंने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है मैं मुस्लिम हूं, मैं ईसाई परिवार में जन्म लिया है मैं ईसाई हूं। कल को मर गया हिंदू, मर गया और गलती से या कर्मों के हिसाब से मुस्लिम परिवार में जन्म हो गया तो क्या कहेगा वो? मैं मुस्लिम हूं। तो धर्म बदल गया, लेकिन धर्म कभी बदला नहीं जाता। इंग्लिश डिक्शनरी में धर्म को कहते हैं रिलीजन। रिलीजन का ट्रांसलेशन आप देखोगे तो वहां लिखा ए काइंड ऑफ फेथ, एक प्रकार का विश्वास। लेकिन विश्वास तो बदला जा सकता है। आज मेरा विश्वास इस चीज में, कल को यहां से उठ गया दूसरी चीज में लग गया, विश्वास बदला जा सकता है। लेकिन भागवत कहता है धर्म कभी बदला नहीं जा सकता। धर्म क्या है? धर्म की रियल डेफिनेशन रिलीजन नहीं है, धर्म की रियल डेफिनेशन विश्वास नहीं है, धर्म की रियल डेफिनेशन है किसी वस्तु या व्यक्ति की ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषता जिसको उससे अलग नहीं कर सकते, उसको धर्म कहा जाता है। जैसे आग जो है उसका क्या धर्म, क्या विशेषता है आग की? आग गर्मी देती है और रोशनी देती है। अब आप आग से न गर्मी अलग कर सकते हो न ही रोशनी अलग कर सकते हो, क्योंकि ये उसका विशेषण, उसकी विशेषता है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। चीनी हमेशा मीठापन देती है, आप चीनी से मिठास को अलग नहीं कर सकते, चीनी हमेशा मिठास ही देगी। ऐसा नहीं कि आज तो चीनी मिठास दे रही है कल चीनी कड़वाहट दे रही है, चीनी कड़वी हो गई है। पीलिया वाले आदमी को जरूर थोड़ी सी कड़वी लग सकती चीनी, लेकिन चीनी कड़वी नहीं होती, वो उसकी जीभ में खराबी है, चीनी में खराबी नहीं है, जो बीमार है उसकी जीभ में खराबी है इसलिए उसको कड़वी लग रही है, लेकिन चीनी अभी भी मीठी है। तो चीनी कभी अपना गुण नहीं छोड़ती। पानी का धर्म क्या है? पानी तरल रहता है, लिक्विड। आर्टिफिशियली आप उसको बर्फ बना दो फ्रीजर में रख के, लेकिन नेचुरली तो वो लिक्विड ही रहेगा। तो उसी प्रकार से हम जो हैं, हम ये शरीर तो है नहीं, हम चमड़ी थोड़ी ना है, हमारी पहचान ये चमड़ी है क्या? ये हार्ड मास का बना हुआ ये लोथड़ा जो है, ये हम है क्या? अगर ये हम हैं तब तो भाई साहब हो सकता है आप हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, लेकिन हम ये शरीर नहीं है। सबसे पहला लेसन भगवद गीता का यही है कि हम ये शरीर नहीं है, वी आर नॉट दीज बॉडीज, हमें शरीर नहीं है। हम कौन हैं? हम इस शरीर के अंदर रहने वाले हैं। देहिनो अस्मिन यथा देहे, गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि इस देह के अंदर जो देही रह रहा है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, और वो जो देही यानी जो आत्मा जो अंदर रह रहा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता है। कैसे? कोमारम यौवनम जरा,
कोमार अवस्था से युवावस्था को प्राप्त होता है, युवावस्था से जरावस्था को प्राप्त होता है, और जरावस्था के बाद में जब यह शरीर इनकेपेबल हो जाता है तो इसको छोड़ करके दूसरे शरीर में, दूसरे माता के गर्भ में जाता है कर्मानुसार। तो ये जो शरीर है ये हम नहीं है। अगर ये शरीर हम होते तो हम बदल क्यों रहे हैं? कई बार हम बचपन का फोटो देखते हैं 5 साल का, कहते हैं कि देखो ये मैं हूँ। अरे भैया तुम नहीं हो, वो तो कोमल सा शरीर है, वो अलग है, तुम अलग हो। तुम कैसे कह सकते हो ये मैं हूँ? अगर ये तुम हो तो फिर ये कहाँ है, ये कहाँ चला गया? ये हैं, ये मर गया, ये शरीर खत्म हो गया है। अभी प्रकृति ने नया शरीर दे दिया है, थोड़े समय बाद में ये शरीर खत्म हो जाएगा और नया शरीर, वृद्ध शरीर मिल जाएगा। मेरे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बाल जो है, बाल तो है ही नहीं मेरे जो भी आईब्रोज सफ़ेद हो जाएंगी थोड़ा समय आएगा तो ये शरीर बदलता रहता है, लेकिन मैं नहीं बदल रहा। आज भी मुझे जब मैं 5 साल का था तो कुछ कुछ इंसिडेंट्स मेरे को याद हैं, मेमोरीज हैं। आज से 10 साल पहले मैं क्या किया मुझे कुछ कुछ याद है, क्योंकि वो शरीर बदल गया है लेकिन मैं नहीं बदला हूं, क्योंकि मैं शरीर के अंदर रह रहा हूं। तो जो शरीर के अंदर रह रहा है वो असल हमारी पहचान है, ये शरीर हमारी पहचान नहीं है। ये सबसे पहला लेसन है आध्यात्मिकता का, धर्म का, स्पिरिचुअल लाइफ का। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, राधा कृष्ण की रासलीला डिस्कस करेंगे, बड़े बड़े जो है प्रवचन देंगे, सुनेंगे, लेकिन हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, इस विषय के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। तो सबसे पहला लेसन ये समझना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद के जितने भी आप प्रवचन सुनेंगे, मोस्टली प्रभुपाद इस बात पे हमेशा जोर देते हैं, ये बात समझो। ये खाली सुनने के लिए नहीं है कि हम शरीर नहीं हुआ, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको रियलाइज करना है, इसको महसूस करना है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जो आत्मा है उसका क्या गुण है, उसका क्या धर्म है? अब आत्मा न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। आत्मा तो भगवान का दास है, भगवान का अंश है। कृष्ण गीता में कहते हैं ममे वामशो जीव लोके जीव भूत सनातना। जितने भी जीव हैं सृष्टि में, चाहे वो मक्खी मच्छर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे इंडियन हो, कोई भी हो, जितने भी जीव हैं वो सब कौन है? ममे वामशो, वो मेरा अंश है। हम सब भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल। जीव भूत सनातना, हमेशा से अंश हैं। ऐसा नहीं है कि एक समय हम भगवान ही थे और भगवान से टूट करके भी हम आत्मा बन गए, फिर जब मुक्त हो जाएंगे तो फिर से भगवान बन जाएंगे। आत्मा सो परमात्मा, ना 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 ना, ये मूर्खता नहीं है, ये मूर्खता नहीं करनी है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनता, आत्मा हमेशा आत्मा रहता है, परमात्मा हमेशा परमात्मा रहते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं कृष्ण कर रहे हैं, मेरे अंश हो, यू आर माई पार्ट, लेकिन कैसे अंश हो? सनातन, हमेशा से मेरे अंश हो और हमेशा से अंश रहोगे। ऐसा नहीं कि पहले मेरे से जुड़े हुए थे, मेरे से अलग होके अंश बन गए। यहां तो संसार में अगर कोई अंश है तो किसी चीज से अलग होके बनता है, लेकिन भगवान के हम अंश हैं, लेकिन हम सदैव अंश हैं। भगवान पूर्ण है और हम अंश हैं। कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये पहले भी थे, अब हैं और मरने के बाद में भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि मरने के बाद में एक हो जाएंगे या मरने से पहले एक थे। कृष्ण कहते हैं कि हम सब इंडिविजुअल हैं। नत्ते हम जातु नासम नत्ते ने मे जनाधिपा न चेवन भविष्याम सर्वे वयम मतः परम। कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत में कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि राजा लोग पहले नहीं थे, ये पहले भी थे, अब हैं और आगे भी रहेंगे। मैं भी पहले था, अब हूँ, आगे भी रहूँगा। उसी प्रकार से तुम भी पहले भी थे, अब हो, आगे भी। ये हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा मेंटेन्ड है। हम सब अलग अलग अंश हैं, हम एक नहीं हैं। ये मायावाद खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए कि हम सब भगवान हैं, अभी हम माया के वशीभूत हैं। ऐसा नहीं है, हम माया के वशीभूत हैं लेकिन हम सब जीव हैं। भगवान कभी माया के अंडर में नहीं आते, तो हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं।
और अंश का क्या कर्तव्य है? पूर्ण की सेवा करना। तो जो हम अंश हैं, हम आत्म हैं, तो हमारा क्या धर्म है? ऐसी क्या चीज है हमारी जिसको हमारे से अलग नहीं किया जा सकता? जिस प्रकार से चीनी से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, पानी से तरलता को अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि से ऊष्मा और प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसी ऐसी क्या चीज है आत्मा में जो उससे अलग नहीं की जा सकती? क्या है वो? अगर आप स्क्रूटनाइजिंगली विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे सब के सब किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। कोई परिवार सेवा कर रहा है, कोई देश सेवा कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई गौ सेवा कर रहा है, किसी नहीं मिलता तो कुत्ता पाल लेते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, आँख ना आँख कुछ डिमांड करती है देखने भागते हैं, कान कुछ डिमांड करते हैं सुनने भागते हैं, जीवा कुछ डिमांड करती है रेस्टोरेंट जाते हैं, तो सेवा इंद्रियों की सेवा, हम सब कोई ना कोई किसी न किसी की सेवा में लगे हुए हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि सेवा करना आत्मा का स्वभाव है, कोई बिना सेवा किए नहीं रह सकता। कृष्ण गीता में ये तक कहते हैं अगर कोई खाली भी बैठने की कोशिश करे, ओम ध्यान लगाए, ज़्यादा ज़्यादा एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, एक दिन, दो दिन, एक साल, दो साल, एक जन्म, दो जन्म, लेकिन जिंदगी भर वो खाली नहीं रह सकता। कई मायावादी लोग जो है ध्यान लगा करके ब्रह्म ज्योति में तदाकार हो जाते हैं, ऐसे खाली बैठे रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है उनकी इच्छा होती कुछ करूँ, वापिस से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। कृष्ण गीता में कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु अतिष्ठति कर्म कृत, जीवात्मा बिना कर्म किए एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, हमेशा एक्टिव रहता है। तो एक्टिव रहता है, हम कुछ करते हैं तो किसी न किसी के लिए करते हैं ना, या तो अपने लिए करते हैं या परिवार के लिए, देश के लिए, समाज, किसी न किसी के लिए कुछ करते हैं। तो एक्टिव रहना, सेवा करना, ये आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का परमानेंट धर्म है सेवा करना। लेकिन अभी हम जितनी भी सेवाएं कर रहे हैं वो सारी की सारी सेवाएं या तो शरीर से संबंधित है, या तो शरीर की सेवा या फिर शरीर से संबंधित लोगों की सेवा है, आत्मा से रिलेटेड कोई सेवा नहीं है। सेवा तो कर रहे हैं लेकिन सेवा किसकी कर रहे हैं? या तो शरीर की या जो शरीर से संबंधित है उनकी, है कि नहीं? ये शरीर परिवार किससे संबंधित है? शरीर से। समाज किससे संबंधित है? शरीर से। देश किससे संबंधित है? शरीर से, है? आत्मा का देश थोड़ी ना होता है, आत्मा का देश नहीं होता है ना, आत्मा तो आज इस देश में पैदा हुई है, कल को हो सकता है किसी दूसरे देश में पैदा हो जाए, आत्मा का कोई देश नहीं होता, शरीर का देश, शरीर इस देश में पैदा हुआ तो ये शरीर इस देश का है, शरीर इस परिवार में पैदा हुआ तो शरीर इस परिवार का है, ये आत्मा का कोई संबंध नहीं है किसी से, इस संसार से कोई आत्मा का लेना देना नहीं है। तो हम जो भी सेवाएं कर रहे हैं अपने आप को शरीर मान करके कर रहे हैं, इसलिए हमारी जितनी भी सेवाएं हैं कभी भी हमें अंदर आंतरिक इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं देती। मोमेंटरी आनंद जरूर मिल जाता है मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, लेकिन आत्मा के धरातल पर कोई हमें आनंद नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा से रिलेटेड हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। और आत्मा से रिलेटेड सेवा क्या है? आत्मा से रिलेटेड सेवा है परमात्मा की सेवा, भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा। हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं गीता में, ममे वामशो जीव लोके, जितने भी जीव हैं कौन है? मेरे अंश हैं। अरे भाई, अगर बेटा बाप की सेवा नहीं करेगा तो जिंदगी भर ठोकरें खाएगा, बाप का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बाप की जो है बद्दुआएं मिलेगी। तो अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो जिंदगी भर रुलते रहेंगे, चाहे कितनी सेवा कर लें लेकिन आंतरिक संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो तभी मिलेगी जब हम भगवान की सेवा करेंगे। ये हमारे लिए नेचुरल है, स्वाभाविक है भगवान की सेवा करना, लेकिन आर्टिफिशियली हमारे समाज ने और हमारे इस मॉडर्न कल्चर ने भुला दिया है। धीरे धीरे ये वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में आता जा रहा है और हम भूलते जा रहे हैं। जैसे जैसे यंग जनरेशन आ रही है, कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज में, कुछ नहीं पढ़ाया जाता आध्यात्म के विषय में। बॉटनी डिपार्टमेंट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है।
इसलिए पूरा जो है नैतिक और आध्यात्मिक कल्चर गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। न्यूज़पेपर में इसका मर्डर हो गया, इसका रेप हो गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, वहाँ चोरी हो गई, इतने सारे जो है आप अखबार के शुरू से एंड तक ले, ऐसी कोई खुश ऐसी कोई खबर नहीं है जो आपके हृदय को प्रसन्नता दे। अरे भाई यहाँ ये हो गया, वहाँ रोड एक्सीडेंट हो गया, 70 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, 25 लोग मर गए। ये कली पुराण कलियुग की खबरें आती रहती हैं इसमें। और कलियुग में क्या है, कहीं झगड़ा, कहीं एक्सीडेंट, कहीं मर्डर, कहीं ये, कहीं वो, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण चेतना, भगवत चेतना विलुप्त होती जा रही है। आज हम कहते हैं कि हमारा साइंस विज्ञान बहुत तरक्की कर लिया है, हम विद्वान बन गए, पहले के लोग तो पिछड़े हुए थे, अब हम एडवांस हो गए हैं, हमने फ़ोन बना लिया है, एक जगह बैठे बैठे दूर देश बात कर सकते हो। पहले तो चिट्ठी भेजनी पड़ती थी, 7 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी, फिर 7 दिन में रिप्लाई आता था, आज तो 7 सेकंड में काम हो जाता है। हम कितने एडवांस हो गए हैं, हम विद्वान बन गए हैं, वैज्ञानिक, विज्ञान कितना तरक्की कर लिया, ज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। अब आप एक बार बताओ, ज्ञान से सुख आता है या अज्ञान से सुख आता है? अज्ञान से सुख आता है, ज्ञान से सुख आता है, ज्ञान से आता है कि नहीं? जब ज्ञान बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा ना। अज्ञानी आदमी कभी सुखी हो सकता है? अज्ञानी आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, ज्ञानी आदमी तो सुखी रहेगा। और हम आज कह रहे हैं कि हम ज्ञानी हो गए हैं, हम विद्वान हो गए हैं, हम तरक्की कर लिए हैं, हम एडवांस्ड हो गए हैं। पहले के लोग इतने विद्वान नहीं थे, इतने तरक्की वाले नहीं थे, इतने एडवांस्ड नहीं थे। अब आप एक बार बताओ, पहले के लोग ज़्यादा सुखी थे कि अब के लोग ज़्यादा सुखी हैं? पहले वाले सुखी थे। अगर ज्ञान बढ़ गया है तो दुख क्यों बढ़ रहा है? सुख बढ़ना चाहिए ना, ज्ञान से तो सुख बढ़ता है। जब ज्ञान से सुख बढ़ता है तो यहां दुख क्यों बढ़ रहा है? इसका मतलब यह है कि जिसको हम ज्ञान समझ रहे हैं वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। वास्तव में ज्ञान क्या होता है, भगवत गीता पढ़ेंगे तो वहां मालूम चलेगा ज्ञान क्या होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना, भगवान को जानना, अपने को जानना, भगवान को जानना, हमारे बीच का जो संबंध है उसको जानना, और ये जो भौतिक पदार्थ और चेतन पदार्थ, आत्मा में और भौतिक पदार्थ में क्या अंतर है, शरीर और जड़ और चेतन में क्या अंतर है, और इन दोनों का जो कंट्रोलर है ठाकुर जी भगवान वो कौन है, इस बात को जानना ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कितना ही आप भौतिक ज्ञान में तरक्की कर लो, सुख शांति कभी नहीं मिलेगा। सुख शांति तभी मिलेगा जब आप भगवान के चरण कमलों में आएंगे। यदपाद पंकज पलास विलास भक्त्या, भगवान के पाद पंकज चरण कमलों में विलास है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में विलास नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जरूर एक ढोंग करने, दिखावा करने का थोड़ा सा एक सुख दे सकती है मेंटल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो इंटरनल पीस है, आंतरिक संतुष्टि है, वो नहीं मिलती, वो तो केवल और केवल भगवान के चरणों में मिलती है। ये जितना भी जो सो कोल्ड सुख का प्रसादन बाहर दिखाया जा रहा है ये सब मिराज है। मिराज जानते हैं क्या होता है? वो फाइटर जेट नहीं, उसको तो नाम दिया गया है मिराज, लेकिन वास्तव में मिराज क्या होता है? अभी गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली, आप कभी ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो रोड पे आप देखते होंगे दूर ऐसे पानी पानी सा दिखाई देता है, धूप की वजह से ऐसा लगता है कि पानी है, रेगिस्तान में ऐसा लगता पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो पानी का छलावा है। ऐसा लग रहा है कि पानी है लेकिन वो पानी नहीं है। कोई प्यासा आदमी उसको पानी सोच के उसके पीछे भागे तो कभी उसको पानी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। वो भागता रहेगा, भागता रहेगा, करते करते मर जाएगा, लेकिन उसको पानी नहीं मिलेगा। पानी कहाँ मिलेगा? या तो टंकी के पास जाए या किसी तालाब के पास जाए, वहाँ पानी मिलेगा। हिरण जो होता है, मृग मरीची का भी कहते हैं उसको, उसके पीछे भागता है, प्यास लगती है पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो पानी नहीं मिलता, भागते भागते मर जाता है।
उसी प्रकार से हमारी स्थिति है, हम सोचते हैं कि आ हा 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 कितना सुख है, अरे नई मूवी आई है, अरे है कितना अच्छा गाना आया है, अरे यहाँ पे नया रेस्टोरेंट खुला है, अरे हमारा तो जो है नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। ये सब जो है सुख, इनको हम सुख सोचते हैं, लेकिन ये भौतिक सुख है। ये भौतिक सुख हमेशा जितना पीछे भागेंगे हमेशा दो कदम आगे खिसक जाता है, कभी मिलता नहीं है। यह छोटा बच्चा होता है, उसको छोटा सा झुनझुना दे दो, आहा बड़ी खुशी होती है, लेकिन दो मिनट बाद में तोड़ के फेंक देता है। अब उसको कार चाहिए, खिलौना वाली कार। थोड़ा बड़ा होता है उसको साइकिल चाहिए, थोड़ा बड़ा होता है उसको बाइक चाहिए, थोड़ा बड़ा होता है उसको रियल कार चाहिए, लेकिन उसकी संतुष्टि कभी पूर्ण नहीं होती। जैसे एक धोबी जब अपना काम निकलवाना चाहता है गधे से, गधा आलसी हो जाता है काम नहीं करता, तो धोबी जब काम निकलवाना चाहता है तो क्या करता है कि वो धोबी के पीठ पे कपड़े लादता है और उसके पीठ से आगे एक डंडी बांध देता है उसके सिर के आगे, और सिर के आगे डंडी पे गाजर लटका देता है। तो गधा सोचता है कि आह गाजर, मैं दो कदम आगे बढ़ूंगा मुझे गाजर मिल जाएगी, और दो कदम आगे बढ़ता क्या होता है, गाजर भी दो कदम आगे बढ़ जाती है। वो करते करते जो है वो गधा जो है मूर्ख आदमी वो उसे पीछे पीछे भागता है और धोबी अपना काम निकलवा लेता है और फिर गाजर उसको उठा करके वापस साइड में रख देता, अगले दिन फिर लगा देता है। वही हमारी स्थिति है, बचपन से लगा के बुढ़ापे तक उस गाजर के पीछे भागते रहते हैं, सुखरूपी गाजर के पीछे, वो कभी मिलती नहीं है। बुढ़ापा हो गया, माया ने गाजर हटा ली, मर गए, फिर अगले जन्म में फिर से गाजर लटका दी। देख बेटा, रुपया पैसा स्त्री धन यही जो है सुख है। ये जो सुख की परिभाषा हमने बना रखी है ये वास्तव में छलावा है, ये रियल सुख नहीं है, ये रियल सुख नहीं है। रियल सुख तो भगवान के चरणों में है। जैसे वो पानी दिख रहा है वो रियल पानी नहीं है, रियल पानी तो पानी के सोर्स पे जाओ वहाँ है। तो ऐसे ही संसार में जो सुख दिख रहा है वो वास्तव में सुख नहीं है। हमारे जीवन में सुख है कहाँ ये बताओ आप। तो पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में 9 महीने तक उस काल कोठरी में रहता है, वहां सुख है? कोई मिलता है सुख? किसी को अच्छा लगेगा कमरे में बंद कर दो एक दिन के लिए, काले कमरे में साड़ में बंद कर दो, ताला लगा दो बाहर से, अच्छा लगेगा? नहीं, वो 9 महीने तक रहता है अंदर। और वो ऐसे नहीं कि खाली कमरा है ऑक्सीजन मिल रही है, पूरा बंद पैक, और उसके अंदर वो म्यूकस वगैरह जो भी माँ का वो रहता है लिक्विड, उसमें जो है वो नाक आँख सब ऐसे बंधे रहते हैं। जो माँ खाती है अटरम शटरम उसको भी खाना पड़ता है। कई बार माँ जो है वो तीखा कोल्ड ड्रिंक पीती है, कोका कोला, तो वो जो जलन जो है वो उस बच्चे को भी होती है, भुगतता है वो। छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उसको काटते हैं शरीर में, उसको बड़ा तकलीफ होती है, फिर वो ऐसे पछाड़ खाता तो लात मारता है बाहर, मम्मी पापा को अरे इसने लात मारी है, वो बड़ा खुश होते हैं बाहर, लेकिन अंदर बेचारा वो दुखी होकर के पसर रहा है, बोल रहा निकालो मेरे को बाहर, निकालो बाहर, निकालो। भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभु इस बार पक्का इस बार मेरे को निकाल दो, आपका भजन करूंगा, डेफिनेटली भजन करूंगा, इस बार मैं गलती नहीं करने वाला, गलती कर दी पिछले जन्म में, फंस गया वापस से, अब तो आप मेरे को बाहर निकालोगे ना, मैं आपका भजन करूंगा। भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन लिखे हैं, उसमें ये आता है, जन्म हैया जब तखन भाविनु जन्म पाइल करबे भजन तवा, जैसे मेरा जन्म होगा मैं पक्का आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है माया देवी उसको पकड़ लेती है, उसको जन्म हैया पड़ी माया जाल है, ना हो ये लो ज्ञान, जो जो प्रार्थना के अंदर सब भूल जाता है, बिल्कुल क्लीन स्लेट हो जाता है वो, कुछ याद नहीं रहता। और बाहर निकलता है तो मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं, रिलेटिव बड़े खुश होते हैं, कोई उसके लिए टोपी ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, और वो बेचारा एम 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 करके रोता रहता है। एकदम से अंधेरे से उजाले में आया तो वो कन्फ्यूज होता है, बाप रे कहाँ गया मैं, कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा वास्तव में। ये रियलिटी है, श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध में पूरा वर्णन दिया गया, इसी के बारे में वर्णन है। कन्फ्यूज हो जाता है वो, और एकदम से वो बाहर की हवा में आता है, तो जब हवा उसके शरीर पर लगती है तो उसको बहुत वेदना होती है बॉडी में, इसलिए बच्चा रोता है बुरी तरह से। और फिर छोटे छोटे मैगट्स होते हैं वो उसको काटते हैं शरीर में, लाल लाल उसके निशान पड़ जाते हैं, अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। भूख लगती है तो रोता है, माँ को लगती है कि अरे लगता है इसका पेट खराब हो गया है, लेकिन पेट खराब नहीं हुआ, उसको भूख लग रही है इसलिए रो रहा है। फिर जब अगली बार वो उसका पेट खराब हो गया है
उसका जो भूख नहीं लग रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है उसके, तो इसलिए जो रोता है, लेकिन माँ को लगता है कि अरे इसको भूख लग रही है, उसको और दूध पिला देती है तो और पेट खराब होता है, 10 लग जाते हैं फिर उसको। एक कष्ट है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो सुख है यहाँ पे जन्म में, कोई सुख है, दूसरों को जरूर सुख है, लेकिन बेचारे बच्चे को कोई सुख नहीं होता। धीरे धीरे बड़ा होता है, दूसरे बालकों के साथ में खेलता है, खेलते खेलते झगड़ने लग जाता है, सिर फोड़ देता है, कोई किसी के साथ में गाली गलौज करता है, कहाँ सुख है, कोई सुख नहीं है। फिर स्कूल नहीं जाना चाहता, ज़बरदस्ती उसको स्कूल भेजते हैं, उठा करके जो है छोड़ के आते हैं उसको वहाँ पर। माँ बाप पिंड छुड़ाना चाहते हैं, 7-8 घंटे तो छुट्टी मिले कम से कम इससे। और स्कूल में जो है टीचर उसको होमवर्क देते हैं, घर पे आकर होमवर्क करना पड़ेगा, मेरे को खेलने का टाइम नहीं मिलता है, ये है वो है, कहाँ सुख है, कोई सुख नहीं है। धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में जो है शादी करवा देते हैं घर वाले। अब शादीशुदा कितने लोग हैं, हम पे बहुत सारे हैं शादीशुदा। अब शादीशुदा का सुख तो आप सब देखे हुए हो, शादी का क्या सुख होता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, संडे की छुट्टी मिलती है उस दिन घर का काम करना पड़ता है, हैं पानी भरो या फिर आटा लेके आओ, ये करो वो करो, 70 काम करने पड़ते हैं, कहाँ सुख है बताओ। करते करते बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापों से आँखों से दिखना बंद हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है, घंटू जवाब दे जाते हैं, और फिर मृत्यु आ जाती है। मृत्यु के समय का जो कष्ट है, 40,000 बिच्छू का डंक जितना दर्द होता है मृत्यु के टाइम पे, तो कहाँ सुख है। और कहते हैं कि ये संसार जो है बड़ा सुखी संसार है, ये सुखी संसार नहीं है। भगवान ने ठप्पा लगा दिया संसार के ऊपर। जब कोई संसार में आता है यहाँ सुख भोगने के लिए, उसको एक बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई देता है, उस होर्डिंग पे क्या लिखा हुआ है, दुखालयम ऐशाश्वतम। कृष्ण गीता में करिए क्या है, दुखालय, ये दुखों का घर है, जैसे विद्यालय जहाँ विद्या का घर है, हिमालय जहाँ हिम मिलता है, बर्फ मिलता है, और ये क्या है, दुखालय, यहाँ दुख है, ये दुखों का आलय है। कोई कहता नहीं मेरे जीवन में तो कोई दुख नहीं है, मैं तो बड़ा सुखी हूँ, पैसा है, रुपया है, दारू पीता हूँ, आराम से मांस खाता हूँ, मजे करता हूँ, तो अशाश्वतम ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। अभी थोड़ा सा जो मिल रहा है सुख, वो अशाश्वतम टेम्परेरी है, पलटी खाने में गाड़ी को देर नहीं लगेगी। वास्तव में संसार में कोई सुख है नहीं, और जो सुख है ना वो वास्तव में दुख की एब्सेंस है। जब हमारे जीवन में थोड़ी देर के लिए दुख आना बंद हो जाते हैं, उसी टाइम को हम सुख मानते हैं। जैसे किसी आदमी को दंड दिया जा रहा है पानी के अंदर करके, उसको पूरा मुंडी घुसेड़ दी, वो सब दुखी हो रहा है, जैसे बाहर निकालोगे ऑक्सीजन मिलता है, उसको बड़ी सुख महसूस होता है, फिर थोड़ी देर बाद में वापस दब डुबो दिया। वो हमारी हालत है, 24 घंटा दुख में रहते हैं, कभी कभी माया देवी दुख से निकाल देती है तो लगता है कि सुख है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है, वो दुख की एब्सेंस है। जो रियल सुख जो है वो भगवान के चरणों में है। जिसने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण ली है, शरण ग्रहण की है, वही वास्तव में सुखी है। जो वृंदावन के 6 गोस्वामी थे, बाहर से ऐसे लगता था बेचारे गरीब हैं, बस केवल एक लंगोट छोटी सी पहन के रहते थे, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, और जो है आज इस पेड़ के नीचे कल उस पेड़ के नीचे भिक्षा अटन करके जो है थोड़ा सा प्रसाद पा लेते थे। लगता था कि कितने दुखी हैं बेचारे, ना 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 ना, दुखी नहीं है वो। वो बाहर से ऐसा लग रहा दुखी है, लेकिन अंदर से वो आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। गोपी भाव रसामृताब्द लहरी, रस अमृत अब्ध, भगवान के भाव का जो रस है, उस रसामृत का अब्ध यानी समुद्र, उसमें वो गोते लगा रहे हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है। जो भगवान के प्रति परायण है वो वास्तव में सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। एक भक्त था, उसका नाम था दुखी, वास्तव में एक भक्त हुआ है उसका, उसका नाम था दुखी। जब चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आया और चैतन्य महाप्रभु की शरण ली और हरि नाम स्वीकार किया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब से तुम हो सुखी, अब दुखी नहीं है, नो मोर दुखी, अब तुम हो सुखी। तो वास्तव में अगर हम सुख चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो हमें ठाकुर जी की शरण लेनी पड़ेगी। ये हैव टू, ऐसे ऑप्शनल नहीं, हाँ ले भी सकते, नहीं नहीं लेनी पड़ेगी, और तो कहीं कोई ऑप्शन है ही नहीं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है,
वो धर्म की जो बात हम कर रहे हैं वो धर्म यही है कि जीवात्मा हमेशा भगवान की सेवा करे, उनके शरण में रहे, उसी से उसको सुख मिलता है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से पत्ती पत्तियाँ फलीभूत हो जाती हैं, पत्ती पत्तियों तक पानी पहुँच जाता है, उसी प्रकार से भगवान की शरण में जाने से हम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पेट में भोजन देने से सारी इंद्रियों को भोजन मिल जाता है। एक बार जो है प्रभुपाद जी स्टोरी सुनाते हैं, आँख नाक कान हाथ पैर मुंह, इन लोगों ने मीटिंग की, बोला कि यार ये बहुत गलत बात है, हम इतनी मेहनत करते हैं, खाना बना लेके आते हैं, पकाते हैं, मेहनत करते हैं, और ये बेनिफिट सारा का सारा ये पेट उठाता है, बेनिफिट सारा का सारा पेट उठाता है, इसी के पास जाता है, यही कुचर पुचर खाता रहता है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। स्ट्राइक कर दी इन लोगों ने, भूख हड़ताल, ये हम जो है काम पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बैठ गए। जैसे बैठे रहे एक दिन दो दिन तीन दिन, धीरे धीरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया, कान में टी बोलने लग गई, जीवा सूखी सूखी सी हो गई, हाथ ऐसे जो है मरियल से हो गए, पैरों में दम नहीं बचा, फिर से सबने मीटिंग की, वो आओ यार हमने गड़बड़ कर दिया, ये जो है ना ये पेट है, इसको देंगे तभी हमारा काम चलेगा, चलो वापस से काम पे लगते हैं। फिर काम पे लग गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जड़ को अगर हम संतुष्ट करेंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। अलग से हम संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, अलग से आँख को भोजन देंगे या नाक को भोजन देंगे, कान को अलग से घुसेंगे ठूसेंगे यहाँ पे, तो उससे काम नहीं चलेगा। प्रॉपर प्रोसेस क्या है, पेट के द्वारा, पेट को भोजन देंगे मुंह के द्वारा, तभी जो है पूरी इंद्रियों को पोषण मिलेगा। उसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो सब अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान तुष्ट हो गए पूरा जगत तुष्ट हो सकता है। और भगवान अगर तुष्ट नहीं है हमारे से तो कितने ही नाक रगड़ दो कुछ नहीं होने वाला, कभी तुष्ट नहीं होने वाले। इसलिए भगवान की संतुष्टि जरूरी है, वही हमारा असल धर्म है। श्रीमद् भागवत कहता है सवई पुंसाम परो धर्मो, हम सबका जो पर धर्म क्या है, अब बाकी धर्म भी है, समाज में भी धर्म है, परिवार में धर्म है, शरीर जब मिला है तो इनकी पालना भी करनी है, ऐसा नहीं कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा भी नहीं है, संसार में हो तो काम तो करना है, लेकिन जो परो धर्म, जो टॉप मोस्ट जो हमारा कार्य होना चाहिए वो क्या है, यतो भक्तिर अधोक्षजे अधोकृता अक्षजम ज्ञानम, यानी जो हमारी इंद्रियों से परे हैं वो जो भगवान हैं उनकी भक्ति करना, ये परो धर्म है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, वो भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये ठाकुर जी ओम जय जगदीश हरे आपकी जय हो, क्यों, क्योंकि धन घर आवे, घर में पैसा आए इसलिए आपकी भक्ति करूँगा, कष्ट मिटे तन का, मेरे रोग शोक सब खत्म हो जाए इसलिए आपकी भक्ति करूँगा। ना ना, ये बिजनेस डीलिंग नहीं, भगवान के साथ में बिजनेस नहीं करने का, भगवान को बिजनेस पसंद नहीं है। अब बिजनेस करोगे तो फिर भगवान भी उतना ही डील करेंगे, ठीक है भाई बिजनेस करने आए बिजनेस के हिसाब से डील करेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए, हेतु की, कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि भगवान में आपको भजन इसलिए कर रहे हैं, भगवान आपको जो है 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा स्वामी ना ना, बिजनेस नहीं, अहेतु की, बिना किसी हेतु के। और अप्रतिहता, अप्रतिहता यानी नॉन स्टॉप, ऐसे नहीं कि महीने में एक बार, प्रभु जी महीने में एक बार आएंगे, नीम का था ना तो एक बार चलेंगे कीर्तन सुनने, हर शनिवार जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। अप्रतिहता मतलब नॉन स्टॉप, ब्रेक नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति में, आज किया कल नहीं, अहेतु के अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध जी, ऐसी आत्मा को परम शांति परम प्रसन्नता मिलती है, नहीं तो आप कितने ही जो है मेहनत कर लो कभी सुख शांति नहीं मिल सकता। तो हम सबका पर धर्म क्या है, ठाकुर जी की सेवा करना। अब ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, क्या विधि है, क्या नियम कानून है, वो सब हम धीरे धीरे आगे की क्लासेज में सीखेंगे।
कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए, कैसे भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान की क्या प्रोसेस है सेवा का, आरती कैसे करते हैं, दर्शन कैसे करना चाहिए। दर्शन भी खाली आके देखना ये दर्शन नहीं हो, दर्शन का भी एक प्रोसेस है, एक विधि है दर्शन करने की भी। श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं कि दर्शन क्या करते हैं, इसके पीछे बहुत लंबी डिटेल है दर्शन करने की भी। दर्शन कैसे करते चाहिए भगवान के, धाम क्या होता है, धाम दर्शन करने के लिए कैसे जाना चाहिए, हाँ ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो मुझे प्रपोजल मिला है कि हर शनिवार को तो नहीं लेकिन महीने के हर आखिरी शनिवार को मैं यहाँ पर आने का प्रयास करूँगा यथासंभव। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि आप लोग आएँ, हर शनिवार को यहाँ कीर्तन होता है, और कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी आपके नोन हैं सबको लेके आएँ, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है, कृष्ण भावनामृत की बहुत आवश्यकता है। सब का हृदय जो है अंधकार में डूबा हुआ है, अगर आप एक भी व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत से जोड़ते हैं तो आप बहुत बड़ा कल्याण का कार्य कर रहे हैं। कोई आदमी डूब रहा है मान लो पानी में और आपने गोता लगाया और उसके ड्रेस निकाल के लेके आ गए, कोई मेडल मिलेगा आपको, कोई शाबाशी देगा ड्रेस के लिए, कोई शाबाशी, असल आदमी तो डूब गया। ऐसे ही आप जो है कितना ही कल्याण कार्य कर लो, कपड़ा बांट दो, भोजन बांट दो, ये सब शरीर के लिए कपड़े, ये शरीर वस्त्र ही तो है, लेकिन जो असल आत्मा है वो तो डूबता जा रहा है ना, उसको तो बचाओ। उसको बचाने के लिए क्या करना होगा, उसको मंदिर लेके आओ, उसको कीर्तन सुनाओ, उसको प्रसाद खिलाओ, भक्तों से मिलाओ, कथा सुनाओ, ये उसकी आत्मा को बचाने का कार्य है, ये सबसे बड़ा महान कार्य है। कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है जो प्रचार करता है, जो लोगों को जोड़ता है भक्ति से। तो जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए, अपने को आगे बढ़ाना है, निम कथाना है स्कोन को जो है आगे लेके जाएंगे, खूब प्रचार करेंगे, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, भगवान नाम का प्रचार हो। हरे कृष्ण। 9:30 हो गए, काफ़ी लेट हो गए। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट, मैंने कुछ कहा उसमें से किसी कोई डाउट है तो सब सहमत है। हमारा परधर्म क्या है, क्या है, किसकी सेवा, भगवान की सेवा। तो अगली क्लास में आप याद दिलाना, वो नोट कर लीजिएगा, हम डिस्कस करेंगे कि भगवान कौन है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, भगवान कौन है, स्पेसिफिकली भगवान कौन है, किसको भगवान कहा जाता है, भगवान शब्द की क्या परिभाषा है, इसको हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पसंद आएगा, और आप लोग अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको लेके आइएगा। हरे कृष्णा। तो अभी कीर्तन करेंगे।